हेलो माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चाणक्य डिफेंस ग्रुप। आशा करता हूं कि मेरे सारे के सारे बच्चे अच्छे होंगे। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो मैं क्यों लेकर आया हूं, बिकॉज मेरे को बार बार पेरेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं कि अभी एक आर्मी स्कूल का फॉर्म निकला है, तो मैं उस आर्मी स्कूल का जो फॉर्म निकला है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले बात करूंगा कि ये आर्मी स्कूल का फॉर्म क्या है। हमारे इंडिया के अंदर 5 रेजिडेंशियल आर्मी स्कूल्स हैं, राइट। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षई हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दौलाकौन हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास हो गया, जनरल बीसी जोशी आर्मी स्कूल हो गया। तो ये 5 रेजिडेंशियल आर्मी स्कूल है। रेजिडेंशियल आर्मी स्कूल का मतलब जहां पर बच्चे पढ़ते भी हैं और हॉस्टल में रहते भी हैं। तो इनके अभी फॉर्म्स आउट हुए हैं, तो इसके ऊपर मैं आज पूरी की पूरी डिटेल वीडियो लेकर आया हूं, राइट। तो अब हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल्स की। आर्मी पब्लिक स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कि इसके फॉर्म जो है वो आपके ऑनलाइन आउट हो गए, राइट। हम आर्मी पब्लिक स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल, मैं फिर बता रहा हूं, इनके ऑनलाइन जो फॉर्म्स हैं वो आपके आउट हो गए हैं, एंड इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है आपकी 31 दिसंबर 2022 टिल 12 AM, ठीक है। हम 31 दिसंबर 2022 12 बजे तक अपने ये सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं ये फिल कर सकते हैं। ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात कर रहा हूं ना, ये हमारे इंडिया के अंदर 5 स्कूल्स हैं। टोटल कितने स्कूल्स हैं? 5 स्कूल्स। इसमें से जो सबसे फेमस स्कूल है, आप सब लोगों ने नाम भी सुना होगा, एपीएस दक्षई। सबसे पहले स्कूल है हमारा एपीएस दक्षई, ठीक है। उसके बाद में है बेटा एपीएस नोएडा, ठीक है। एपीएस नोएडा वाला जो स्कूल है ना वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है। एपीएस दक्षई का जो स्कूल है ये आपका बॉयज के लिए भी है एंड गर्ल्स के लिए भी है, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा स्कूल है हमारे पास वो है एपीएस दौलाकौन। एपीएस दौलाकौन, ठीक है। अब ये मेरे को पूछोगे कि सर ये कहां पर है, तो ये है आपका दिल्ली के अंदर, ठीक है। एपीएस दौलाकौन स्कूल आपका कहां पर है? दिल्ली के अंदर। ये जो स्कूल है ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है। फिर है बेटा आपके पास एपीएस ब्यास। जो ये ब्यास वाला स्कूल है ये कहां पर है? आपका पंजाब के अंदर है। ये जो स्कूल है ये बॉयज के लिए भी है एंड गर्ल्स के लिए भी है, मतलब दोनों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं एंड गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। एंड फिफ्थ एंड जो लास्ट स्कूल है वो है जनरल बीसी योशी एपीएस स्कूल, ठीक है। अब ये स्कूल कहां पर है? ये स्कूल है बेटा आपका उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं एंड गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। आई होप कि यहां तक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। पहली चीज क्या थी? आर्मी पब्लिक स्कूल जो रेजिडेंशियल स्कूल है उनके फॉर्म आउट हो चुके हैं, ठीक है, ऑनलाइन। लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की? दैट इज 31 दिसंबर टिल 12 AM। ये टोटल कितने स्कूल है? एपीएस 5 स्कूल है हमारे पास। कौन कौन से? सबसे पहले एपीएस दक्षई, यहां पर बॉयज भी फिल कर सकते हैं फॉर्म एंड गर्ल्स भी फिल कर सकती है। उसके बाद कौन सा है? एपीएस नोएडा, इसके लिए सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। देन है एपीएस दौलाकौन, ये कहां पर है? दिल्ली के अंदर, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। देन है एपीएस ब्यास, कहां पर है? पंजाब के अंदर, इसके लिए बॉयज भी फिल कर सकते हैं एंड गर्ल्स भी फिल कर सकती है। नेक्स्ट है जनरल बीसी जोशी एपीएस, उत्तराखंड के अंदर है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। सॉरी, अब मैं बात करूंगा कि हमारा जो ये एग्जाम है ये होना कब है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, एग्जाम हमारा होना है 12 फेब 2023 के अंदर, एंड कब होना है? ये संडे को होना है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल जो है रेजिडेंशियल स्कूल, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब हम किस क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगर हम अप्लाई करने की क्लासेस की बात करें तो वो है आपकी फिफ्थ क्लास। जो फिफ्थ क्लास में क्लास के अभी जो फोर्थ में बच्चे जो फिफ्थ में जाना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
सेवंथ के अप्लाई कर सकते हैं, एट्थ के अप्लाई कर सकते हैं एंड नाइन्थ क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो बच्चे इन स्कूल्स के लिए अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की, एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो क्या रहेगी, अगर मैं फिफ्थ क्लास के लिए बात करूं तो फिफ्थ क्लास के लिए जो ड्यूरेशन है वो है आपकी 2 आवर्स की। अगर मैं बात करूं सिक्स टू नाइन्थ क्लास के लिए तो उनके लिए जो ड्यूरेशन है दैट इज ऑफ 3 आवर्स, उनका जो पेपर होगा वो कितने का होगा, 3 आवर्स। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपकी एज क्राइटेरिया की, कि मतलब कितनी एज होनी चाहिए बच्चे की जो इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे पेरेंट्स को यही कंफ्यूजन होती है कि हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये अप्लाई कर सकता है बच्चा या नहीं अप्लाई कर सकता। सो इसके बारे में आपको भी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आपके एज क्राइटेरिया की, एज की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 5 के लिए, जो बच्चे क्लास 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज क्या होनी चाहिए। उनकी एज होनी चाहिए जो बच्चे 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्लास 5 के लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्लास 6 के लिए। अगर मैं क्लास 6 की बात करूं तो वो बच्चे जिनका बर्थ 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं क्लास 7 की बात करूं तो वो बच्चे जिनका बर्थ 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं क्लास 8 की बात करूं तो इसके लिए 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में अगर मैं बात करूं तो जो जिस बच्चों ने नाइन्थ में एडमिशन लेनी है उनकी एज क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 मार्च 2010 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं एज क्राइटेरिया को। क्लास 5 के लिए क्या है, मिनिमम एज वैसे क्या है 9 इयर्स, और अगर मैं पर्टिकुलर डेट्स की बात करूं 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014। अगर मैं क्लास 6 के लिए बात करूं 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013। अगर मैं क्लास 7 के लिए बात करूं 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012। अगर मैं क्लास 8 के लिए बात करूं 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011। अगर मैं क्लास 9 के लिए बात करूं 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 मार्च 2010। सो दिस इज द एज क्राइटेरिया। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना पेरेंट्स का, पेरेंट्स की इंक्वायरी ये होती है कि सर हम तो बैठे हैं यूपी के अंदर तो हम कैसे एग्जाम देंगे, हमारे नियर बाय कौन सा सेंटर बनेगा। तो मैं आपको एक डिटेल इसमें बताऊंगा कि कहां कहां पर सेंटर बनते हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब मैं सेंटर्स की बात करता हूं एग्जाम के। सबसे पहले हमारा जो एपीएस दक्षिणी है उसके अंदर सेंटर बनता है। ठीक है, अब ये दक्षिणी कहां पर है ये भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो दक्षिणी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, नियर शिमला के आसपास, तो दक्षिणी में भी आपका सेंटर बनेगा। ठीक है जी, उसके बाद में चंडी मंदिर, चंडी मंदिर के अंदर सेंटर बनता है। अब बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि चंडी मंदिर कहां पर है, तो ये चंडीगढ़ के पास में है। ठीक है जी, तो वहां पर इसका सेंटर बनता है। उसके अलावा दौला कलां के कौन के एपीएस के अंदर बनता है, कहां पर है, दिल्ली के अंदर है जी ये, यहां पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनता है। ठीक है, फिर हिसार के अंदर भी बनता है, हिसार कहां पर है जी, हरियाणा के अंदर, वहां पर भी इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनता है। फिर उसके बाद में लखनऊ के अंदर भी बनता है। ठीक है, लखनऊ सबको पता है, कोलकाता के अंदर भी बनता है। ठीक है जी, अब पूछोगे कोलकाता कहां पर है, तो कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। लखनऊ कहां पर है, तो लखनऊ आपका यूपी के अंदर है। ठीक है जी, उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका जम्मू कैंट के अंदर भी बनता है इसका सेंटर। ठीक है, तो जम्मू वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जम्मू की, बिकॉज इसका सेंटर जम्मू में भी बन रहा है। फिर उसके बाद में जो बच्चे हमारे राजस्थान से उनको भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी बिकॉज इसका सेंटर जयपुर में भी बन रहा है। फिर उसके बाद में गुवाहाटी में भी बनता है जो असम के बच्चे हैं। फिर उसके बाद में ब्यास में भी बनता है,
जो हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास है वहां पर भी इसका सेंटर बनता है, ठीक है जी। भोपाल में इसका सेंटर बनता है, पुणे में भी इसका सेंटर बनता है, ठीक है जी। फिर उत्तराखंड पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ नाम की एक प्लेस है उत्तराखंड के अंदर, जहां पर हमारा आपका जो स्कूल है एपी जोशी, वहां पर भी इसका सेंटर बनता है, ठीक है। फिर अहमदाबाद में भी इसका सेंटर बनता है, ठीक है। फिर एक सेंटर आपका नोएडा में बनता है। जो ये नोएडा वाला सेंटर है ना, दिस सेंटर इज ओनली फॉर द गर्ल्स, ठीक है। नोएडा वाला सेंटर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए बनता है, बाकी सारे सेंटर्स आपके गर्ल्स के लिए भी बनते हैं एंड बॉयज के लिए भी बनते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद में आपका बेंगलोर के अंदर भी सेंटर बनता है, तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो सेंटर्स हैं वो बनते हैं, तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। आप चाहे किसी भी स्टेट में रह रहे हो, आप इन 5 रेजिडेंशियल आर्मी स्कूल्स के लिए अपने एग्जाम को फिल कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि एग्जाम के लिए फीस क्या है। सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम फी क्या है। अगर मैं बेटा एग्जाम फी की बात करूं, तो जो एग्जामिनेशन की फी है ना, एग्जामिनेशन की फी है 500 रुपी, ठीक है, रुपी 500, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। मतलब आपको 500 रुपी तो पे करने ही कर रहे हैं। उसके बाद में यहां पर एक और फी होती है, दैट इज रजिस्ट्रेशन फी। जो रजिस्ट्रेशन फी है वो है रुपी 2000, बट किसके लिए, डिफेंस पर्सन के लिए, जिनके मदर या फादर डिफेंस के अंदर है उनके लिए कितनी रजिस्ट्रेशन फी है, दैट इज 2000। अगर मैं सिविलियन की बात करूं तो सिविलियन के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है दैट इज 4000, ठीक है। तो आपको कितनी टोटल फीस एग्जाम फिल करने के लिए फिल करनी है, 2500 करनी है अगर आप डिफेंस से हो। अगर आप सिविलियन हो तो आपको कितनी करनी है, 4500, ठीक है, 4500 फॉर द सिविलियन। तो इसमें भी कंफ्यूजन मत होना कि हमें कितनी फीस यहां पर आपको देनी है एग्जाम के लिए। अब यहां पर सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का कि सर हम कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल का फॉर्म है ये ऑनलाइन आता है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षिणी की वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हो, आप आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा की वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हो, या ऐसे जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास है तो आप जो पर्टिकुलर स्कूल है उनकी वेबसाइट पर भी जाकर इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। और आज मैं आपको एक कॉमन वेबसाइट भी दे देता हूं जहां से आपको ये फॉर्म जो है ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारी वेबसाइट है एग्जाम फिल करने की, वो कौन सी है, www.awesindia.com, ठीक है जी। इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए, ये वेबसाइट आपकी हेल्प आउट करेगी, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग अपने जो बैचेस है वो चला रहे थे सैनिक स्कूल के लिए भी एंड मिलिट्री स्कूल के लिए भी, ठीक है। तो जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, हम बहुत ही जल्द अपने आर्मी पब्लिक स्कूल के जो बैचेस है वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे जो बैचेस हैं ये ऑनलाइन भी रहेंगे एंड ऑफलाइन भी रहेंगे, ठीक है। आप चाहे इंडिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस लेकर उस बेसिकली फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारी ब्रांच जो है वो पठानकोट के अंदर भी रन हो रही है एंड चंडीगढ़ के अंदर भी रन हो रही है। तो यहां पर दोनों जगह पर हमारे ऑफलाइन सेंटर चल रहे हैं, तो आप यहां से ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग की बात करूं तो ऑनलाइन कोचिंग हमारे पठानकोट सेंटर से भी चल रही है, चंडीगढ़ सेंटर से भी चल रही है एंड जम्मू सेंटर से भी चल रही है। जम्मू सेंटर के अंदर अभी ऑफलाइन क्लासेस की फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी है। अगर इस इंफॉर्मेशन को लेकर, आर्मी पब्लिक स्कूल की इंफॉर्मेशन को लेकर, रेजिडेंशियल स्कूल्स की इंफॉर्मेशन को लेकर किसी को भी कोई भी परेशानी है तो वो मेरे को कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। माई कॉन्टेक्ट नंबर इज 7888714322। सेकेंड वन इज 8556970887। तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। इसके रिलेटेड कोई भी आपकी क्वारी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे ले सकते हैं। अगर कोई आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेशन में जाकर भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।